सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा पेपर 1 दिसंबर 2015 का यूजीसी नेट बुकलेट सीरीज पी। मैक्सिमम मार्क्स 100 और नंबर ऑफ क्वेश्चन दिस बुकलेट 60 है। ओके दोस्तों, आज आपका कोई भी गलत उत्तर होगा उसके लिए कोई भी निगेटिव अंक नहीं मिलेगा आपको। केवल नीले और काले बाल पेंस का ही आप प्रयोग करें, कैलकुलेटर वैलकुलेटर लेके मत जाएं। चलिए नेक्स्ट टाइम बात के आगे बढ़ते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं हिंदी चैप्टर में। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जो हिंदी ज़्यादा कठिन आती है तो उसको हम अंग्रेजी में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। कहता है, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं किससे होती हैं? किसी भी शैक्षणिक संस्थानों की छात्रों को बाधाएं आती हैं, उन सबसे अधिक जो अपेक्षाएं होती हैं वो हमारे शिक्षक से होती है, क्योंकि वही हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर सही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं? देखिए, अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों की कार्यभार में वृद्धि करता है, नहीं, यह प्राप्तांकों को ग्रेड से स्थापित करता है, सही बात है। यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल सही है, और यह परीक्षक जज को कम करने में सहायता करता है, यही है बी सी और डी। दूसरे का चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं, किस शिक्षक की बड़ी ताकत क्या होंगी किसी के लिए? कहता है कि चौथा ऑप्शन ठीक है, संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, हमेशा उसमें रहेगा तो नहीं हो सकता। उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है, टीचर एग्जाम्पल लेता है तो बच्चों को आधार समझ में आता है। अब धारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, अगर कोई छात्र बोलता है तो उसका जो अवधारणा है उसको कैसे सॉल्व करता है वो तैयार रहना, गलती को स्वीकार करना, कोई बच्चा गलती करता है उसकी गलती स्वीकार करना, उसे आगे क्यों बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहु विकल्प प्रकार के संदर्भों में सही है, कौन सा सही में से? पहला नंबर सही है, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जेकस गिलोसस की रिपोर्ट का शीर्षक था, जेकस गिलोसस की रिपोर्ट का शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है, क्या आप आशा करते हैं अच्छा शिक्षण के लिए? आप खुद सोच लीजिए, किसी चीज़ का निदान कर दें, उपचार कर दें, निर्देश सही दें, प्रतिपुष्टि सही कर दें, ए बी सी डी सही है। छठे का पहला, फिर कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? एक ही चीज़ सही नहीं है, एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन करना, नहीं, ये हमेशा ज्ञान का उत्पादन करना ही नहीं होता है, ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है ये होता है, लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, और जांच की सामूहिक क्रिया ये सही है, केवल चौथा नंबर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है कि यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है? आगे देखिए, नौ नंबर, निम्नलिखित में से कौन ए पी ए शैली के संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम हैं, क्या है? देखिए, छोटी कृतियों जैसे जनरल आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखे, नहीं, लेखकों के नाम उल्टा करके लिखे अंतिम नाम पहले, हो सकता है। ए पी ए शैली जो है, लंबी कृतियों जैसे पुस्तक एवं जनरल के शीर्षक तिरछा करके लिखे, हो सकता है। संदर्भ सूची प्रविष्टों का वर्णनात्मक में सूचीकरण करें, बी सी डी ही सही है। निम्नलिखित में से कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषता है, आप किसी सेमिनार में जाते हैं तो क्या क्या सोच के आते हैं? देखिए, यह एक प्रकार का अकादमिक, एक प्रकार का अकादमिक अनुदेशन प्रकार होता है, सही है। इसे प्रसन्न करना, चर्चा वाद विवाद शामिल होता है सेमिनारों में, होता है इसमें, इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी ज़्यादा लोगों, कुछ कुछ सेमिनार में कुछ ही लोग जाते हैं, तो इसी नंबर तो टोटली गलत हो गया। इसमें कौशलयुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है, हाँ बिल्कुल बात सही, कुछ इंपॉर्टेंट लोग, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोग जाते हैं जो अपनी बातें शेयर करते हैं सेमिनार के द्वारा। ए बी और डी नंबर सही है, तो चौथा नंबर सही है। एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है, इस अध्ययन हेतु किस प्रकार उपकरण को वेता देनी चाहिए, प्रश्नावली को वेता देनी चाहिए। तीसरा नंबर, निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते, शोध प्रारूप
कॉपीराइट शामिल तो डाटा सेविंग नीति शामिल, पेटेंट नीति शामिल होती है दोस्तों। फिर पैसेज आ गया, हर क्वेश्चन में पैसेज आते हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ पहले वीडियो में, आपको पैसेज क्लियर करना है, रीजनिंग क्लियर करना है, शिक्षा वाला क्लियर करना है, क्लास वाला क्लियर करना है, फिर आपके मैथ के दो चार क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके रिश्ते वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके रीजनिंग्स के आएंगे, फिर आपके पास कंप्यूटर्स के आएंगे, और फिर पाँच क्वेश्चन आपके थोड़ा सा पॉलिटिक्स के आएंगे संविधान के द्वारा थोड़े छोटे छोटे, और दो चार आपके करंट अफेयर्स के आ सकते हैं दोस्तों। फटाफट पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ, फिर से क्वेश्चन आंसर निकालते हैं। फटाफट 13-17 क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16, 17 पाँच क्वेश्चन आएंगे एसएच के, जो इतनी तेज पैसेज पढ़ेगा उसको फायदा हो कि आप दोबारा पढ़ सकते हैं, और दोबारा तेज पढ़ने के साथ आपको समझना भी होता है। हाल ही में मैंने वही काम किया जहां आपको एक बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने होते हैं, और यह काम अपने आप में एक संतास है, विशेषकर जबकि उस बड़े कार्ड का धारक मेरे ऊपर झुका हुआ था। मैं अचानक ऐसी स्थिति में था जैसे अग्रदीप में एक खरगोश या विनोदपूर्ण संवाद भेजने अथवा इन जोक अथवा आरेखन के बीच उधेड़ बुन की स्थिति। इसके बजाय उपलब्ध अनेक विकल्पों से अभिभूत होकर मैंने यही लिखने का निर्णय किया, गुजलक ठीक है जोएल। भयभीत होकर तभी मैंने महसूस किया कि मैंने तो लिखना भूल ही गया, मेरा तो इतना सा वजूद है। कंप्यूटर पर अक्षरों को दबाओ, खैदारी हेतु मेरी सूची तो मेरे फ़ोन के नोट पर किराए में छुपी है, यदि मुझे कोई याद करने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं अपने आप को ईमेल भेज देता हूँ। जब मैं कुछ सोच विचार में संघर्ष कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी कलम चबाने लगता हूँ। कागज कुछ इस तरह से जैसे मैं लैपटॉप को नीचे एकत्रित करता हूँ ताकि टंकर टाइपिंग हेतु इसकी ऊंचाई मेरे लिए अधिक सुविधाजनक हो जाए। लेखन सामग्री विक्रेताओं द्वारा 1,300 बालकों के सर्वेक्षण में बिकने पाया कि उनके 10 में से एक किशोर के पास अपनी कलम नहीं है, उनमें से हर तीसरे ने तो कभी पत्र नहीं लिखा। हम 13-19 वर्ष के आयु वर्ग के अधिक किशोरों को कोई बात नहीं किया गया कि वे बैठें और धन्यवाद का पत्र लिखें। 80% से अधिक किशोरों ने तो कभी भी कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा। 56% के घर पर पत्र का कागज नहीं है। साथ ही 1/4 का तो जन्मदिन के कार्ड लिखने की अनोखी जहमत की जानकारी ही नहीं हुई। अधिक से अधिक यदि किसी किशोर को कलम के प्रयोग की आवश्यकता हुई तो वह सिर्फ परीक्षा प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने में। बिक, क्या तुमने कभी मोबाइल फ़ोन के बारे में सुना है? क्या तुमने ईमेल, फेसबुक, स्नैपचैट के बारे में सुना है? यही भविष्य है। कलम का जमाना गया, कागज़ का जमाना गया, हस्तलेखन अब स्मृति शेष रह गया है। हमारे पास हस्तलेखन सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, तैसे रेखाचित्र, स्केचिंग, चित्रकारी, फोटोग्राफी जैसी कला के रूप में तय समान महत्व दिया जाना चाहिए। अब एक पहला क्वेश्चन आता है, पढ़ लिया पैसेज आपने, पहला क्वेश्चन देते हैं, किसी बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो लेखक को अग्रदीप में किसी खरगोश जैसा अनुभव हुआ, इस पद का क्या जाता है? उसमें उधेड़ा बुन उलझन की स्थिति हो रही थी। लेखक के अनुसार निम्न में से कौन सा कामकाज की सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है? पढ़ना यही नहीं है। लेखक की संपूर्ण सत्ता इर्द गिर्द घूमती है, किसकी संपूर्ण सत्ता घूमती है? कंप्यूटर और मोबाइल फोन के। बिक के संरक्षण कर सकते किशोरों के पास कोई कलम नहीं है। सो लेखक की मुख्य चिंता क्या है? वही चिंता है कि लोग हस्तलेखन ना भूल जाए। चौथा नंबर सत्ता का, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की कमजोरी के बारे में जानकारी एकत्र करना, शिक्षक को शिक्षण का गंभीरता से लेने का संदेश देना, शिक्षण के नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना, शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना, कमजोरी के बारे में जानकारी एकत्र करना, ए तो बिल्कुल गलत है, बी, सी और डी ही सही है। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप प्रयोग कहलाता है मस्तिष्क चित्रण। चौथा नंबर सही, वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है पराभाषा के रूप में। प्लीज़ याद रखिएगा, वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है पराभाषा के रूप में। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है संदर्भ से, रेफरेंस से। चौथा नंबर सही, कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियाँ, कार्य और प्रत्यन को किस रूप में समझा जाता है? नंबर दो सही, अशाब्दिक। कहता है दोस्तों, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है। क्या होता है शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय? उपयोगितावादी। जब आप कोई शिक्षक और छात्र बात करते तो हमेशा उससे कुछ ना कुछ यूज ही आता है। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है नजर मिलाने से। बिल्कुल बात सही।
अब आगे आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा श्रेणी में, क्या नंबर आएगा, देखिए क्या क्या जोड़ेंगे। अब इसमें 2, 5, 10, 17, 26, 37 है। अब 2 में जोड़ा 3 यहाँ पे आया, 3 के बाद 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 2 जोड़ा 7 जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा 9 आया, 9 में 2 जोड़ा तो 11 आया, और 11 में जोड़ेंगे 13, तो 37 में आप 13 जोड़ देंगे 50 आ जाएगा। ओके दोस्तों, पहला नंबर सुन। अब कहते हैं 210 छात्रों का एक समूह किसी परीक्षा में शामिल हो गया और 1/3 छात्रों का जो माध्य है वो 60 पाया गया और शेष छात्रों का मात 78 पाया गया, तो संपूर्ण समूह का मात क्या होगा। दोस्तों माध्य वाला क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका आंसर बात कर प्लीज हल कीजिए। अभी दिशा वाला क्वेश्चन है, फिर से समझिएगा। अनिल ने अपने घर से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद महसूस किया, पहले आप दिशा वाला साइन बना लीजिए, दिशा आप बना लीजिए कि ये आपका जो है वो नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, दोस्तों ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। अब 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में महसूस किया कि उसने पूर्व दिशा में यहाँ से 6 किलोमीटर ये चले गए, महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की, उसमें वापस घूमा और पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर गया दाई ओर घूमकर। अब इधर से देखिए दाई किस तरफ जाएगा उसका, फिर ये 12 किलोमीटर गए पश्चिम दिशा की ओर यहाँ गए, फिर कहता दाई ओर घूमकर, अब दाई ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। अब बताना उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है, तो अब सीधी सी बात है दोस्तों किस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं और उस प्रकार से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आप ठीक है तो वो 10 किलोमीटर दूरी आ गई। इस श्रृंखला का अगला पथ क्या है, इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ता है कि इस श्रृंखला का अगला पथ क्या आएगा। 2, 5, 12, 24 है, कैसे कैसे याद है ये आपको देखना है कि ये कैसे याद है। अब यहाँ बी है, डी है, एफ है, एच है, तो सी के बाद डी आया, ई के बाद एफ आया, जे के बाद ई एफ, जी के बाद एच आया, आई जे। अब जे कहाँ है, एक जे, ये एक जे, एक तो ये आपका क्लियर हो गया कि जे जे यहाँ पे आएगा पहला शब्द सब सॉरी अल्फाबेट। अब यहाँ ई आया, ए बी सी डी ई एफ जी, दो छोड़ के एच आया, आई जे छोड़ के आया, एल एम छोड़ के एन आया, एन के बाद क्या ओ पी छोड़ दें तो क्यू आएगा, तो क्यू ही आ गया, तो ऐसे ही आ गया। आप भी चला कुछ सम्मत करें, जे ओ क्यू आ रहा है, ये सही है, चौथा नंबर सही है, मेरा जे गलत है। ओके दोस्तों, एक पार्टी में आयोजित की गई, इसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थे, पार्टियों में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है। अब आप देख लीजिए दादी हो गई, माता हो गई, 2 तो यही हो गए, ठीक है 4 पुत्र हो गए, तो दादी माता 2 तो ये हो गए, और 4 पुत्र की उनकी पत्नियां, तो 2 ये 4 2 6 ये हो गए, और प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र हुए एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थीं। अब 4 तो ये हो गए 6, और 2 पुत्रियां उपस्थित थीं, तो 4 2 8 हो गए। अब देखें ना कि प्रत्येक उनकी 4 पुत्र उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र थे, 4 पुत्र तो ये हो गए, उनकी पत्नियां हो गई, हम प्रत्येक पुत्र के कितने थे। दोस्तों आपने देखा दादी और माता तो 2 ये हो गई, 4 पुत्र 4 पत्नियां 4 ये हो गए, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, और 2 पुत्रियां प्रत्येक पुत्र के, 4 2 8 और 6 14 आंसर सही हो गया। दूसरा नंबर,
पी क्यू का भाई है, आर एस बहन है, पी का पुत एस का भाई है, क्यू का आर से कैसे संबंध, चाचा संबंध है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। शिक्षकों का रोजगार पूर्व परीक्षण बिल्कुल उचित है क्योंकि चिकित्सकों, वास्तुकारों, अभियंताओं जो इस समय नियुक्त हैं को ऐसे परीक्षण का सामना करना पड़ता है, वो है सादृश्य मूलक। बत्तीस नंबर देखिए, निम्नलिखित तर्क वाक्यों में दो इस तरह से संबंध हैं, वे दोनों सही हो सकते हैं यद्यपि दोनों गलत नहीं हो सकते, वे तर्क वाक्य कौन से हैं, सही कूट का चयन कीजिए। सर सोचिए, कुछ पुजारी धूत होते हैं, कोई पुजारी धूत नहीं भी होता है, सभी पुजारी धूत होते हैं, कुछ पुजारी धूत नहीं होते हैं। अब सही कूट का चयन करना है, सभी पुजारी धूत होते हैं ये बात बिल्कुल गलत है, और कोई पुजारी धूत नहीं होता ये भी बात बिल्कुल गलत है। ऐसा होता ही नहीं कि बहुत से पंजा कितना लूटते हैं और सभी पंजे लूटते हैं, ये भी नहीं होता। तो बात सही साफ साफ दिखाई पड़ता है, कुछ पुजारी धूत होते हैं, कुछ पुजारी धूत नहीं होते। तो ए और जी सही है, थोड़ा छोटा सा दिखे, थोड़ा सोचना आपको। संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है एक तर्क। बस अभी कथन ए और तर्क आर विचार के लिए सही क्या है, कोई आदमी पूर्ण नहीं है, अच्छा, और कुछ आदमी पूर्ण नहीं है, कोई आदमी पूर्ण नहीं है ये बात सही है, कुछ आदमी पूर्ण नहीं ये बात सही है, लेकिन जो कुछ आदमी पूर्ण नहीं है वो ए की पर्याप्त व्याख्या नहीं करता है, नंबर ए ही सही है। अर्थपूर्ण परिभाषा इसे सोच समझ कर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है कहलाता है स्वनिर्मित परिभाषा। यदि तर्क वाक कोई आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाए तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से किसे निश्चित रूप में सही होने का दावा किया जा सकता है। अगर कोई आदमी ईमानदार नहीं, ये बात करते हैं सभी आदमी ईमानदार हैं, नहीं, जब कोई आदमी नहीं तो सही बात, कुछ आदमी ईमानदार नहीं है, नहीं, कोई ईमानदार व्यक्ति आदमी नहीं है, अरे तो बिल्कुल ही गलत है, कुछ आदमी ईमानदार हैं ये हो सकता है, कोई आदमी ईमानदार नहीं है, नहीं, कुछ आदमी ईमानदार नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो कुछ आदमी ईमानदार हैं ये बात सही है। थोड़ा ये आपको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा उससे। ये देखिए टेबल वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, हमेशा आता है, प्रतिशत वाला, माध्य वाला, औसत वाला, ये सब चीज़ें इसमें लगती हैं। 1951 में आबादी इतनी मिलियन थी, विद्युत उत्पादन इतने गीगा वाट में दिया गया, और 1 गीगा वाट वाला बराबर होता है 1000 मिलियन वाट। 51, 61, 71, 81, 91, 1, 2011 में इस प्रकार का गीगा वाट का वृद्धि हुई है और आबादी में भी इस प्रकार की आपने वृद्धि देखी है। अब आपने देखा है कि आबादी की सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई है, आबादी की सर्वाधिक वृद्धि देखिए 20 में 21 एक हुआ और 21 में 3 हुआ और 24 में 27 गया, इसमें भी 3 हुआ, इसमें 3 हुआ, इसमें से इसमें भी गया, उसमें भी। अब सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में की गई है तो आपको परसेंटेज इसमें आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। 61 और 71 औसत दशक वृद्धि दर 9.82%। अब कहता है औसत दशक वृद्धि दर के आधार पर 2021 में आबादी कितनी होगी। अब आपने यहाँ देख लिया 2011 में 35 हुई थी वृद्धि दर, तो आप वृद्धि दर से निकाल के जो उसमें जोड़ देंगे तो आपकी उतनी ही वृद्धि दर आएगी, तो 38.49 के आसपास आएगी। 1951 में प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता कितनी थी, 1951 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 51 में 20 मिलियन आबादी थी, 10 गीगावाट उत्पादन था, तो प्रति व्यक्ति आप निकाल सकते हैं 1000 मिलियन, परसेंटेज निकालेंगे तो आज 500 वाट। किस दशक में प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता सर्वाधिक थी, 2001 और 2011 में। 1951 से 2011 के बीच कितने प्रतिशत से विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है, हम निकाल लीजिए 100 ये है, 10 ये है, और 100 ये 10 में 100 गया
बे निकाल सकते हैं 900 आएगी, 900%। NMEICT का अर्थ है, पहले ये नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। अब कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस, इंटरनेट बेस्ड क्वेश्चंस आगे। निम्नलिखित में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? तीनों है, व्हाट्सएप भी है, मैसेज करते हैं, गूगल टॉक भी है और वाइबर भी है। एक कंप्यूटर में एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। कौन निवेशी इनपुट डिवाइस नहीं, मॉनिटर नहीं, आउटपुट डिवाइस है? कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरबॉक्स है? हमें कौन से एक पद को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समझ में आता है? मेल मर्च। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकता है, सही है। धूम निकास की सुधारित गैस चूल्हा हो सकता है, लकड़ी चूल्हा है, मिट्टी वाले तेल वाले हीटर है। और किस प्रदूषण का मानव कैंसर होता है? पारा से मानव को कैंसर होता है। अब देखते हैं इसमें अभिकथन उत्तर बताइए क्या सही क्या गलत। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच का संबंध क्या है? जटिल है। तो ए नंबर सही है, आर भी सही है, लेकिन जो आर है वो एक की व्याख्या नहीं करता। पहला नंबर सही, प्राकृतिक खतरा नहीं, रासायनिक संदूषण नहीं है। राष्ट्रीय जलवायु नीति के भाग के रूप में भारत सरकार के वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के संस्थापित क्षमता को कहाँ तक बढ़ाने की योजना है? 350 गीगावाट। वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत किलोवाट घंटा प्रति वर्ष के समय सही क्रम है, सबसे ज्यादा रूस में, फिर चीन में, फिर ब्राजील में, फिर भारत में। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान RUSA के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? ABC सही है, चौथा गलत है। सरकारी संस्थाओं के समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण कर्म संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना। दोस्तों शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश किन आधारों पर किए जाने का पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? धर्म, लिंग, जन्म स्थान। बात बिल्कुल सही है, इन तीनों के अनुसार आप किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए वो नहीं कर सकते। किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान का, बस राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है, बिल्कुल सही है। और फास्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जानी जाती है, बिल्कुल बात सही है। एक नंबर सही, संविधान में एक मत में लोक व्यवस्था निम्न किसके अंतर्गत है? लोक व्यवस्था राज्य सूची में आती है। राज्य के महाधिवक्ता का काल निर्धारित नहीं है। और निम्नलिखित राज्यों में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में। दोस्तों आपसे लोग हमारे साथ बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।